नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विराट और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। अगर मैं कहूं बिना ओटीपी, बिना किसी कार्ड की डिटेल्स लीक हुए, बिना किसी लिंक पर क्लिक किए हुए भी आपके लाखों रुपए आपके अकाउंट से गायब हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ है दिल्ली की एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करने वाले एक ऑफिसर के साथ में। उनके अकाउंट से केवल 2 घंटों में ही करीब 48 लाख रुपये ठग लिए गए। 13 नवंबर का दिन था, संडे। सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल पे काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे। संडे का दिन होने के कारण सिक्योरिटी ऑफिसर ने वो कॉल इनिशियली नहीं लिए, बट जब नंबर ऑफ कॉल्स काफ़ी ज़्यादा आने लगे तो उन्होंने एक कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव करते ही वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ देर बाद ही सिक्योरिटी ऑफिसर को उनके मोबाइल पे मैसेजेस आने लगे ट्रांजैक्शन के, जो उन्होंने नहीं किए थे। पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ वो था 12 लाख रुपए का। सेकंड ट्रांजैक्शन जो हुआ वो भी था 12 लाख रुपए का। थर्ड ट्रांजैक्शन जो हुआ वो था 10 लाख रुपए का। और फोर्थ ट्रांजैक्शन था वो था 14 लाख रुपए का। तो इसी तरीके से 4 ट्रांजैक्शन में उनके पूरे 48 लाख रुपीज गायब हो गए। पुलिस इसको एक सिम स्वैप फ्रॉड का केस बता रही है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो दोस्तों, ये फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है और इस फ्रॉड से कैसे बचना है, इस वीडियो में मैं आज बताने की कोशिश करूंगा। अरे मैं क्या बताऊं मैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो फ्रॉड है क्या ये 2 घंटे में हुआ या इसकी प्लानिंग काफी पहले से चल रही होगी। तो मैं बताता हूँ, ये फ्रॉड जो है ये सिर्फ 2 घंटे में नहीं होता। एग्जीक्यूशन इसका जरूर 2 घंटे में होता है, बट ये फ्रॉड जो है वो काफी पहले से चलता होता है। अच्छा, आपने गौर किया होगा कि आपको भी काफ़ी सारे लिंक्स आते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे, कुछ प्रमोशनल, कुछ ऑफर वाले, जिसको हम लोग क्लिक कर देते हैं चेक करने के लिए कि ये ऑफर क्या है। अच्छा, कई बार ये लिंक्स जो होते हैं ये मैलिशियस होते हैं और इनसे कुछ मोबाइल में हमारे ऐप्स डाउनलोड हो जाते हैं जो हमारा डेटा चुरा लेते हैं, हमारा सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, चेकबुक की कॉपी, पासबुक की कॉपी, सारी चीज़ें अगर जो मोबाइल में हैं तो ये लोग उसको स्टील कर लेते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा डेटा लीक हो गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब ये स्कैमर्स क्या करते हैं, ये आपके नेटवर्क प्रोवाइडर के कस्टमर केयर में कॉल करेंगे। जैसे कि अगर आप आइडिया यूज करते हैं या एयरटेल यूज करते हैं तो आइडिया या एयरटेल के कस्टमर केयर में कॉल करेंगे और रिपोर्ट करेंगे इनका सिम चोरी हो चुका है और ये सिम ब्लॉक करवा करके नया इशू करवाना चाहते हैं। ये प्रोसेस करने के लिए कस्टमर केयर कुछ क्वेश्चन पूछता है वेरिफिकेशन के लिए। ई वेरिफिकेशन में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह होता है, क्योंकि ये स्कैमर्स के पास में आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स है तो ईजिली ये सब क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं कस्टमर केयर के, और कस्टमर केयर को भरोसा दिला देते हैं कि आप एक जेन्युइन कस्टमर बोल रहे हैं, और कस्टमर केयर आपकी सिम को ब्लॉक कर देता है पुरानी वाली और नई सिम पे आपका नंबर एक्टिवेट कर देता है। तो इसके बाद सारी कॉल्स इन स्कैमर्स के पास आएंगे और आपकी डिटेल्स, आपकी ओटीपी यूज़ करके आपके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये आपका सारा पैसा उड़ा सकते हैं। और ये सिर्फ एक लौता तरीका नहीं है जिससे आपको स्कैम किया जाता, एक दूसरा तरीका भी आपने देखा होगा जिसमें आप कभी किसी बस स्टॉप पे या रेलवे स्टेशन में होते हैं तो कोई पर्सन आपके पास आता है और बोलता है इमरजेंसी में उसको एक कॉल करना है। हो सकता है वो रीज़न दे के उसका फ़ोन चोरी हो चुका है या फिर उसका फ़ोन मिसप्लेस हो चुका है या उसका वॉलेट चोरी हो चुका है, उसको इमरजेंसी में कॉल करना है। इस केस में आप इमोशनल होकर के अपना फ़ोन दे देते हैं और फिर वो स्कैमर आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट कर देता है। कुछ नंबर्स होते हैं जिसको डायल करके वो स्कैमर आपके सारे कॉल्स अपने नंबर पर फॉरवर्ड कर सकता है। तो अब जो आपके ओटीपी के कॉल्स हैं या फिर आपके इंपॉर्टेंट बैंकिंग के कॉल्स हैं, आप डायरेक्टली उसको आएंगे तो क्या होगा, वो इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करके ओटीपी रिक्वेस्ट करेगा ऑन कॉल, और चूंकि आपका नंबर के कॉल्स फॉरवर्डेड है उसके नंबर पे तो आपका ओटीपी उसके नंबर पे चला जाएगा और वहाँ से आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। तो दोस्तों, कभी भी आपके पास कोई आ रहा है इमरजेंसी में, आपका फ़ोन मांग रहा है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी की आप मदद ना करिए, सबको स्कैमर ही समझिए, बट कोई जेन्युइन भी हो सकता है, तो अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से नंबर डायल करिए और स्पीकर पे उस बंदे का बात करवाइए जिसको वो कॉल करना चाहता है। कभी भी अपना फ़ोन किसी अनजान के हाथ में मत दीजिए, उससे वो कॉल फॉरवर्डिंग फीचर एक्टिवेट करके आपको स्कैम कर सकता है। एक तरीका और है, ये स्कैमर्स जो हैं ये पोस्ट करते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जैसे, तो अगर आपका नंबर एयरटेल का है तो ये लोग बोलेंगे कि ये लोग एयरटेल से कॉल कर रहे हैं और आपसे पूछेंगे कि क्या आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। तो यूजुअली कभी ना कभी आपको नेटवर्क में प्रॉब्लम तो आती ही होगी, तो आप भी एग्री कर जाएंगे और ये लोग फिर आपको एक नंबर देते हैं और बोलते हैं इस पर मिस कॉल करिए, आपका नेटवर्क इम्प्रूव हो जाएगा और आपको वो जो नंबर है वो कॉल फॉरवर्डिंग फीचर वाला नंबर होता है, इस नंबर को आप डायल करेंगे तो आपके सारे कॉल्स फिर इनके पास ही फॉरवर्ड होने लगते हैं और सेम तरीके से ये इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। आपके लाइक से, आपके शेयरिंग से, आपके सब्सक्राइब से मुझे ग्रो करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।